अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड फ्रेश बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह। तो आज के इस वीडियो में हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे 24, 36 एंड 60 का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड में हमारे पास दो या दो से ज़्यादा जितनी भी वैल्यूज होती हैं, सबसे पहले तो हम उनके अलग अलग प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं और फिर उन प्राइम फैक्टर्स की हेल्प से हम उसका एलसीएम या एचसीएफ जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। इस वक्त हमारे पास यहाँ तीन वैल्यूज हैं, सबसे पहले हम इनके अलग अलग प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। किसी भी वैल्यू के प्राइम फैक्टर किस तरह फाइंड आउट करते हैं कि उस वैल्यू को हमें कम्प्लीटली डिवाइड करना होता है जब तक कि हमारे पास वन ना आ जाए, और डिवाइड भी हमें सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर से करना होता है। अब बात आती है कि प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ दो ही टेबल्स में आते हैं, किसी तीसरे टेबल में नहीं आते, सिर्फ और सिर्फ अपने और वन के टेबल में आते हैं। यहाँ मैं आपको कुछ प्राइम नंबर्स की एग्जांपल्स दे रही हूँ, जैसे कि 2, 3, 5, 7 और ये इसी तरह कंटिन्यू रहते हैं। इनमें से भी जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है हमें हमेशा वहाँ से स्टार्ट लेना होता है। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है और 2 का डिविजिबिलिटी रूल है कि अगर किसी वैल्यू के लास्ट में इवन नंबर या फिर 0 है तो वो वैल्यू 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है। तो यहाँ हमें तीनों ही वैल्यूज ऐसी नज़र आ रही हैं जो 2 से डिवाइड हो सकती हैं, तो उसे 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। 2 के टेबल में 2 आता है 1 पे और 4 आता है 2 पे, ये बन चुका है 12। अभी भी इसके लास्ट में इवन नंबर है, ये वैल्यू 2 से ही डिवाइड होगी। 2 के टेबल में 12 आता है 6 पे, जब तक ये वैल्यू 2 से डिवाइड हो सकती है हम इसे 2 से ही डिवाइड करेंगे। 2 के टेबल में 6 आता है 3 पे और 3 खुद एक प्राइम नंबर है, इसलिए 3 को हमें 3 से ही डिवाइड करना है क्योंकि 3 के टेबल में 3 आता है 1 पे। यहाँ हम 24 को कम्प्लीटली डिवाइड कर चुके हैं और ये आ चुके हैं हमारे पास 24 के प्राइम फैक्टर्स। इसी तरह अब हमें 36 को भी कम्प्लीटली डिवाइड करना है और इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। 2 के टेबल में लेकिन 3 नहीं आता, उससे छोटा नंबर 2 आता है 1 पे, जो 1 हमारे पास रिमाइंडर है वो चला गया 6 के पास, बन गया 16। 2 के टेबल में 16 बिल्कुल आता है 8 पे, ये बन चुका है 18। ये भी 2 के टेबल से ही डिवाइड होगा क्योंकि लास्ट में इवन नंबर है। 2 के टेबल में 18 आता है 9 पे, 9 अब ऑड नंबर है, 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 है और 3 से हमें पता है 9 बिल्कुल डिवाइड होगा क्योंकि 3 के टेबल में 9 आता है 3 पे और 3 के टेबल में 3 आता है 1 पे। यहाँ 36 को भी हम कम्प्लीटली डिवाइड कर चुके हैं और ये आ चुके हैं हमारे पास 36 के प्राइम फैक्टर्स। अब इसी तरह हमें 60 के भी प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। इसके लास्ट में 0 है, यानी कि ये वैल्यू 2 से डिवाइड हो सकती है। 2 के टेबल में 6 आता है 3 पे एंड 2 टाइम 0 इज़ 0। 2 के टेबल में 3 नहीं आता है, उससे छोटा नंबर 2 आता है 1 पे, जो 1 हमारे पास रिमाइंडर है वो चला गया 0 के पास, बन गया 10। 2 के टेबल में 10 बिल्कुल आता है 5 पे, ये बन चुका है 15। लास्ट में ऑड नंबर है, इसलिए ये वैल्यू अब 2 से मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकती। 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 है, 3 से हम इसकी डिविजिबिलिटी चेक करेंगे कि क्या 3 के टेबल में 15 आता है, बिल्कुल आता है। 3 के टेबल में 15 आता है 5 पे, जाहिर सी बात है 3 का टेबल तो सबको आता ही है, और उसके बाद 5 प्राइम नंबर है, 5 को हमें 5 से ही डिवाइड करना है क्योंकि 5 के टेबल में 5 आता है 1 पे। यहाँ हम 60 को भी कम्प्लीटली डिवाइड कर चुके हैं। अब क्या करेंगे इन तीनों के प्राइम फैक्टर्स को, सबसे पहले तो हम इस तरह कॉपी कर लेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे 24 के प्राइम फैक्टर्स जो कि हमारे पास आए हैं 2 × 2 × 2 × 3। फिर लिख लेते हैं हम 36 के प्राइम फैक्टर्स जो कि हमारे पास आए हैं 2 × 2 × 3 × 3। लास्ट में हम लिख लेते हैं 60 के प्राइम फैक्टर्स जो कि हमारे पास आए हैं 2 × 2 × 3 × 5। अब हमें सबसे पहले तो इनकी पेयरिंग करनी है, हमें देखना है ऐसे कौन से प्राइम फैक्टर्स हैं जो कि तीनों में मौजूद है। ये 2 तीनों में है, पेयर बन गया, पेयर बन के बाहर आ गया, इसे एक बार लिख लिया। ये भी 2 तीनों में है, पेयर बन के बाहर आ गया, इसे भी हमने यहाँ एक बार लिख लिया। उसके अलावा ये 3 का भी हमें पेयर बनता हुआ नज़र आ रहा है, तीनों में है, पेयर बन के बाहर आ गया, इसे भी हमने यहाँ एक बार लिख लिया। अब हमें और मज़ीद कोई पेयर बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा। हम 2 में भी पेयरिंग कर सकते थे लेकिन 2 में भी हमें कोई पेयरिंग जो है वो होती हुई नज़र नहीं आ रही। अब हमारे पास ऐसे फैक्टर्स रह गए हैं जो कि तीनों डिफरेंट हैं, तो लास्ट में जिनकी कोई पेयरिंग नहीं हो रही है, रिमेनिंग फैक्टर्स रह गए हैं, उनको भी हमने यहाँ कॉपी कर लेना है, जिनमें है 2, 3 और 5। अब एलसीएम के लिए हमें इन सबको कर देना है मल्टीप्लाई, तो चलें जल्दी से मल्टीप्लाई करते हैं और फाइंड आउट करते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम 24, 36 एंड 60 का। 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 24, 24 को हमें मल्टीप्लाई करना है यहाँ 3 से, वो हम यहाँ रफ़क में कर लेते हैं। 24 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं क्या आंसर आता है हमारे पास। 3 × 4 = 12 का 2 × 1 कैरी, 3 × 2 = 6 + 1 = 7 आ गया और 7 = 72 बन गया, और इसे हमें मल्टीप्लाई करना है एक बार 5 से। 5 × 2 = 10 का 0 × 1 कैरी, 5 × 7 = 35 + 1 = 36। मीन्स हमारे पास यहाँ लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है वो आ चुका है और वो है 360। देखा आपने कितनी जल्दी बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को फॉलो करते हुए हमने एलसीएम फाइंड आउट करना सीख लिया है।
आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलती हूँ आप सभी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।